अस्सलाम वालेकुम। आज कुकिंग फताज में मैं फातिमा मुनीर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शादियों वाला जर्दा। तो इसे ज़रदा रेसिपी भी कहते हैं, मीठे चावल भी कहते हैं और मीठा खाना भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो खैर चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लेंगे एक कप जितनी राइस। तो आप राइस कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बासमती ही ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं नॉर्मल चावल लिए हुए हैं, इसे 15 मिनट तक अच्छी तरह से सोख करके रख दिया था। तो चलिए यहाँ पर इसके अंदर 4 कप जितना पानी शामिल कर दिया है, गैस ऑन कर लिया है। तो इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे ढक करके, ठीक है। तो यहाँ पर 15 मिनट बाद चेक करती हूँ मैं यहाँ पर। तो 15 मिनट बाद हम इसे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये पानी खोलना शुरू हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, दिखाती हूँ आपको। देख सकते हैं आप, अभी चावल गलना बहुत सारा बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद आप इसी वक्त हाई पर रखिए गैस की फ्लेम और इसे इसी तरह से पकने के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ देर हो चुकी है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से पक रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बार दिखाती हूँ कि कितना पका है चावल, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक दाना लेकर आप थोड़ा सा प्रेस करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसी वक्त जो है ये अच्छे से थोड़ा सा गल चुका है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कच्चा ही रहने दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 75-80% जितना पक चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसे चेक कर लिया है, एक दाना लेकर आप इसे थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा, देख सकते हैं थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है, दाना टूट नहीं रहा है, सिर्फ प्रेस हो रहा है। तो इस वक्त मैं इसका पानी छान लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से चावल अच्छी तरह से खिले खिले लग रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर पानी निकालने के बाद आप इसे एक साइड पर रख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे एक साइड पर रख दीजिएगा। तो यहाँ पर गैस ऑन कर लिया है, 2 टेबलस्पून जितना घी इसमें शामिल कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर घी गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर अब हम शामिल करेंगे थोड़ा सा खोपरा। तो कोकोनट आप थोड़ा सा कट करके शामिल कर दीजिएगा चॉप करके। तो 2 इलायची मैंने यहाँ पर से खोलकर शामिल कर दी है। तो यहाँ पर खोपरे का कलर थोड़ा सा चेंज होते ही आप इसके अंदर शक्कर शामिल कर देंगे। तो 1/2 कप जितनी मैंने यहाँ पर शक्कर शामिल की है, आप थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है, जितना मीठा पसंद करते हैं उतना ले सकते हैं। ऑरेंज फूड कलर इस वक्त आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। फूड कलर के बजाय आप यहाँ पर केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर 1 कप जितना पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे पका लिया है अच्छी तरह से, इसे पकने के लिए 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है, देख सकते हैं पानी खोल रहा है। तो मीडियम फ्लेम कर दीजिएगा इस वक्त चावल डालते वक्त। तो यहाँ पर सारे जो चावल हमने पानी से छान कर रख लिए थे, तो वो सारे चावल आप इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। तो सारे चावल शामिल करने के बाद आप बिल्कुल इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, फिर आपको इसके बाद दिखाती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो यहाँ पर 1/4 कप जितना मिल्क इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर और थोड़ा सा पानी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 3-4 मिनट तक, ठीक है। तो मीडियम फ्लेम पर रखकर आप इसे पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर 3-4 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक करेंगे कि ये किस तरह का हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं और थोड़ी सी नमी बाकी है यहाँ पर। तो ये 3-4 मिनट हम और 2 मिनट तक दम के लिए पकाएंगे, तो ये अच्छी तरह से पक जाएगा। तो यहाँ पर 2 मिनट के बाद आप इसे डिश आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 मिनट होने के बाद मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शादियों वाला जर्दे की रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर एक नई वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।